सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए साथियों, समाचार पत्र में प्रकाशित सीएम राइस संबंधी एक महत्वपूर्ण न्यूज का अवलोकन करते हैं। आयु के 57 वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षकों के भविष्य पर विभाग ने नहीं लिया निर्णय। शिक्षकों ने कहा, सीएम राइस स्कूलों में उनका क्या होगा, तत्काल फैसला हो। भोपाल समाचार से यह न्यूज प्रकाशित हुई है। अपनी आयु के 57 वर्ष पूर्ण करने के कारण सीएम राइस स्कूलों में पदस्थापना के लिए परीक्षा से वंचित शिक्षक और प्राचार्यों ने विभाग पर नजरें टिकाई हैं। इनका कहना है कि अभी तक विभाग ने यह निर्णय नहीं लिया है कि आखिर उन्हें क्या करना है। शिक्षकों के अनुसार विभाग ने प्रदेश भर में सीएम राइस स्कूल में प्राचार्य से शिक्षक तक की पद स्थापना परीक्षा के माध्यम से की जा रही है, लेकिन जिन चयनित सीएम राइस स्कूल में पूर्व से प्राचार्य शिक्षक वर्तमान में पदस्थ हैं, जो 57 वर्ष से अधिक आयु के कारण परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके हैं, जो परीक्षा में चयनित नहीं हुए हैं, उनकी पदस्थापना के संबंध में आज दिनांक तक कोई भी दिशा निर्देश शिक्षा विभाग ने जारी नहीं किए हैं। ऐसे में उन शिक्षकों के सामने भविष्य को लेकर चिंता व्याप्त है। शासकीय अध्यापक संगठन के कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने कहा है कि शिक्षा विभाग 13 जून से नवीन शिक्षण सत्र की शुरुआत करने जा रहा है। इससे पूर्व समस्त चयनित सीएम राइस स्कूलों में परीक्षा के माध्यम से चयनित प्राचार्य और शिक्षकों की पदस्थापना आगामी माह तक कर दी जाएगी, परंतु सीएम राइस स्कूलों में पूर्व से जो शिक्षक पदस्थ हैं, उनके संबंध में विभाग ने अभी तक कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं कि उन शिक्षकों को हटाकर किन शालाओं में पदस्थ किया जाएगा, उन्हें पदस्थ करने के नियम शर्त क्या होगी, यह भी स्पष्ट न होने से शिक्षक अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, क्योंकि यदि शहर से बाहर पदस्थ किया जाता है तो शिक्षकों को अपने बच्चों की शिक्षण व्यवस्था और परिवार की आवास की व्यवस्था करनी होगी। सत्र से पहले होना चाहिए तत्काल निर्णय। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री छत्रवीर सिंह राठौर का कहना है कि विभाग को इस विषय में सोचना होगा, यह गंभीर मामला है। उन्होंने शिक्षा विभाग से मांग की है कि नवीन शिक्षा शिक्षण सत्र प्रारंभ होने से पूर्व चयनित सीएम राइज स्कूलों में पूर्व से पदस्थ शिक्षकों की पहले पदस्थापना की जाए, तत्पश्चात ही सीएम राइज स्कूलों में चयनित प्राचार्य और शिक्षकों को पदस्थ किया जाए। तो ये था एक महत्वपूर्ण अपडेट सीएम राइज संबंधी। आशा है जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा। धन्यवाद।